आई लव यू। कुछ गंदा खाना चाहती हूँ ताकि मैं रात भर सो ना पाऊँ। फ्रेश रहना, हमने बातें कर दी है पूरी रात जागे। मुझे नींद अभी से आनी शुरू हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चा आपका बच्चा ये तो नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा गोले, मम्मा रात को जा रही शूटिंग पे, मम्मा के बिना रह लोगे? मम्मा के बिना रह लोगे? बाबू बोलो जय श्री राम। बोलो राम आ गए। बोलो दोस्तों, मैं जून से शायद स्कूल जाऊंगा। बोलो दोस्तों, स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? बोलो आई लव यू, आई लव यू। भालू। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। सवेर पंजाबी बोलने लगी। सुबह नहीं हुई, शाम हो गई है, यानी कि 6 बज रहे हैं। सो गाइस, आज मैं बता दूं कि लेट इसलिए शुरू किया कि सारा दिन लेजी था और हम कुछ अलमारियां वगैरह भी क्लीन कर रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाए मैंने। मेरा दिल करता बनाने का, जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को नहीं होता कि भाई तो काम कर लो फिर वीडियो बनाओ अच्छे से खुश होके, क्योंकि वीडियो खुशी का नाम है। सो मैं बता दूँ कि आज मेरा नाइट शूट है, तो कहाँ शूट है वो आपको अभी जाके ही बताऊँगी। अभी ये थोड़े से मेरे पल हैं घर में, फिर जब मैं आऊँगी रात हो चुकी होगी और फिर सारे पल सो चुके होंगे, तो इसीलिए जो मेरे पास 2-3 घंटे के पल हैं उस पल में मैं अपने बच्चे और पति के साथ रहना चाहूँगी पल पल, और ये अपने बच्चे के साथ। हमारा साथ आना है, तुम्हारा साथ में रहेंगे, काम कर ले फिर तुम्हारे साथ में रहेंगे। सो गाइज, मैंने ये कपड़े बिना प्रेस किए इसलिए डाले क्योंकि मैं ट्रायल कर रही थी और फोटो भेजने थे ब्रांड को इसीलिए। और हाँ, आज मैं जाके तैयार ऑफिस में होंगी, वरना यहाँ पे गोला तैयार नहीं होने देगा क्योंकि रात को तैयार होना है तो गोला बुरा उस वक्त चार्ज होते एकदम पूरा 100% बैटरी होती है, तो बहुत तंग करेंगे। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी ऑफिस जाके, फिर वहाँ से निकलूँगी। ठीक है, तब तक पति को तंग करती हूँ, कुछ खाने को मंगवाती हूँ और तबीयत खराब करवाती हूँ। वाह वाह, क्या आइडिया है। कुछ गंदा खाना चाहती हूँ ताकि मैं रात भर तड़पती रहूँ और शूट कर पाऊँ, सो ना पाऊँ। सो दोस्तों, इस लड़की ने जो मेरी बेइज्जती करवाई है, ये नरगिस है, इस लड़की ने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाई भैया, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कमाल कर दी इस लड़की ने। फिर मैं शूटिंग पे गई एक दिन, मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैं शूटिंग पे गई और मैंने बोला बेटा मैं एक ही बात से टेंशन फ्री हो सकती हूँ, अगर तू बिरयानी बना दे भैया को। और इसने बोला हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं। मैंने बोला चल टेंशन फ्री, शूटिंग में हूँ, पीछे से बिरयानी है तो मुझे कोई खाने पीने का टेंशन नहीं हर्ष का। बस दोस्तों, उसी दिन हे तोबा कर दिया इसने, मतलब बिरयानी का इसने रगड़ा पैटी बना दिया। oh, no! जब इसको तारीफ मिली ना दोस्तों, तो इसके मन में पता क्या आया, मोए 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 मोए। और उसके बाद इसने हर चीज़ उसमें मोए मोए ज़्यादा डाल दी, चावल मटन प्याज मसाले, और ये खुशी में झूमती रही कि आज फिर वाह वाही मिलेगी, पर उस खुशी में ये भूल गई कि मसाला कच्चा रह गया। oh, no! इतनी बड़ी गलती क्यों किया तुमने ऐसा? तूने दिल से नहीं बनाया नरगिस? दिल से बनाया। तूने ऐसे लग रहा दिल से नहीं तूने भाई, मोए 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 मोए। सो इसका मोए मोए हो चुका है, अब कल या जब भी चांस मिलेगा यार, कल कर दिया तो इन्हें मोए मोए फिर ना हो जाए। इतना मोए मोए एक साथ हम नहीं सह सकते, तो देखते हैं बनवाएंगे इससे। और फिर अगर वो बिरयानी अच्छी नहीं बनी
तो ये लड़की और तू सब करके देगी, इसको मैंने करवाना। वो सारी बिरयानी ये यहाँ पर बैठ के पतीला रख के प्लेट रख के खाएगी सारी एक घंटे में। ये भगवान क्या जुलुम है। ये खाती जाएगी तू डालती जाएगी, ये खाती जाएगी तू डालती जाएगी, इसकी ये सजा है। नहीं नहीं, ज्यादा खाने से अच्छा कि मैं अच्छा बनाऊं। वाह मेरी बिटिया, यही बात उस दिन समझ जाती तो मेरी बिटिया की आज किसी राजकुमार से शादी ना हो जाती। गाइस रात का शूट और मुझे नींद अभी से आनी शुरू हो गई है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। ये होता है भाई, ये होता है, सोच लिया हुआ ना काम करना, इसीलिए दिमाग और दिल आपको थका रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, शरीर खड़ा है। अगर मैं मेरा शूट नहीं होता और मैं घर में होती ना, मैं तितली की तरह उड़ रही होती इधर उधर, क्या बना रहे हम, ये बना रहे हो, मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, अब मैं ससुराल जा रही हूँ, ये कर रही होती। बट अब पता है ना शूट है तो अब सुस्ती ऐसे ऐसे हो रहा, चुप हूँ मैं। अभी भी चुप ही थी, तैयार हो रही हूँ, नींद नहीं आ रही, फ्रेश रहना, हमने बातें कर रही है, बस बातें करते रहना हमने। हम अपनी अपनी शादियों की बात कर रहे हैं कि किसकी शादी में मजा आया ये किसकी नहीं। विष्णु कह रहा मुझे मेरी शादी में मजा ही नहीं आया। क्यों विष्णु? घोड़े की वजह से। बोलता मेरे गाँव में पहले मंदिर लेके जाते थे घोड़े में, फिर बिठा के फिर पूरे गाँव में हो ना घुमाया, मंदिरों में लेके गए, बुरे हाल हो गए, कहना टांगों की उतरने के बाद भी टांगे ऐसी खुली हुई थी जैसे घोड़ा बीच में से निकल के गया है। और नूर नूर कहती मैंने अपना अपनी शादी में पॉन्ड्स पाउडर लगा के मेकअप करके शादी कर ली, बट मैंने तो गोवा में की थी पर इन्होंने ही किया था मेरा मेकअप। तो चलिए जी, रेडी हो गए और निकल गए हैं शूट के लिए। हाँ जी ठीक है मैम, रात भर काम है। कोई बात नहीं मैडम को, आपको जागना है। रात का सोने चल रहे हैं क्या? आए जागेंगे, पूरी रात जागेंगे, पूरी रात जागेंगे। सो हम पहुंच गए हैं शूट पे, आज स्मार्ट बाजार का शूट कर रहे हैं। सो नाइट शूट है, नाइट शूट इसलिए है क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग होते हैं और ऊपर से सेल भी लग रही है इनकी। ये तड़पा रहे स्मार्ट बाजार वाले हमको घुसा के इतने अच्छे ऑफर, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई मशीन चल रही है, अभी एक ही तरीका है, चोरी। ये सारी स्मार्ट बाजार वाली दीदियां हैं, इनको कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं क्योंकि किसी का 1.5 साल का बच्चा नहीं होगा ना। देखो किसी का नहीं ना दादा, आपका भी नहीं, किसी का नहीं, तभी खुश है सारे। इनके दो है, क्या करें, डायपर लेना है। हाँ, एक माँ आधी रात को कह रही मैम डायपर लेना है, बच्चे ने बेड गीला किया हुआ है, लेकिन स्मार्ट बाजार वाले कहते हैं सुबह ही मिलेगा। क्या करें अभी, तब तक चिप्स रख ले। चलो भाई शूट करते वरना स्मार्ट बाजार वाले सारे बेहोश हो जाएंगे। बट ये बात है भाई, स्मार्ट बाजार वाले सारे तगड़े तगड़े आदमी है। और सर आपने तो मुझे डरा ही दिया था, पता आपके लुक ने। ओह नो, मैं ऐसे इनके लुक से ऐसे लगता है कि गंगू भाई इन्होंने शूट किया। फुल आर्टिस्टिक, पूरा फुल वो वाला उतरा, मैं एक पेंटर भी हूँ। इससे पहले हम रात को शूट कर रहे हैं, जोर से हंस। 1.5 साल का बच्चा लेके आया। आपका भी बच्चा है 1.5 साल का? मिलाओ सर हाथ में, मेरा भी 1.5 साल का, हमने पहले प्लान कर लिया था, हमने बोला था जब स्मार्ट बाजार के शूट में मिलेंगे ना तो आपका भी 1.5 साल का होना चाहिए, मेरा भी। आपका किसी का नहीं है? 10 कितना? 10 आपका बच्चा ये तो नहीं। इससे पहले बच्चा 2 साल का हो जाए सर, फटाफट करते, बिल्कुल ठीक है, तेरे को डायपर दिलवाती है। ये स्मार्ट बाजार वाली दीदी देगी। 2 hours later चप्पल छप चुकी है, अब मैं नंगे पाँव चलूंगी तो लोगों को लगेगा चप्पल पहनी हुई है, इतनी चप्पल छप चुकी है दादा। वाओ नाइस पेट, ये प्यार कर रही है दादा, मुझे प्यार कर रही है बेबी। सो डन, क्या कुछ नहीं, शूट खत्म हो गया यार, बहुत अच्छी है, ये माइंड ब्लोइंग टीम है स्मार्ट बाजार की। हाई कहते अकेले स्मार्ट ने किया, देखो सारे बड़े क्यूट है यार, देखो अरे ऐश्वर्या राय बच्चा, हाय बेबी, हाय मुझे मेरा याद आ गया, वाह मम्मी पापा सेम आंखें,
ये सेम आंखों वाले पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, मेरे पति का कुछ मैच ही नहीं होता। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शूट था। थैंक यू। कॉफी भी नहीं मिली। नहीं नहीं, इन्होंने भी नहीं पी किसी ने, है ना। बट इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सूखे नारियल दिए। कहते अभी टाइम तो हो गया मैम डोसा बनाने का, तो अभी सोना नहीं, डोसा बनाओ और चटनी बनाओ। सो गाइस, सबके लिए ये पैसा, फुल पैसा वसूली ऑफर शुरू हो रहा है। आपके अपने पास आओ स्मार्ट बाजार में, लूट लो इनको बस, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे चलिए। हाँ जी, पैसे दे के लूटना ऐसे नहीं। हाँ, थैंक यू गाइज। तो चलिए जी, पैकअप हो गया है, हम घर की तरफ निकल गए हैं। नींद बहुत ज्यादा आ रही है और नूर भी थक गई है, लेकिन आज नूर मतलब सारा दिन खड़ी रही है। इसका मन नहीं था काम करने का बेबी के बाद, तो मैं इसको बोलती थी कि नहीं नहीं करना। बट ये जब मुझे बोलती है ना कि मैम आपको देख के मैं वापस काम पे आई हूँ, तो बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है यार। बेबी पैदा करना या प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको एंजॉय करो, आए ऐसे मत करो। सही कह रही हो कि नहीं पांडे जी, सही कह रही हो कि नहीं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है यार, अच्छी बात है। गांव में औरतें करती है, हमारी मम्मियों ने किया है ना। मैं तो पूरा 9 मंथ तक काम, यस नूर 9 मंथ तक काम करती रही, जैसे मैं करती रही, फिर वापस भी जल्दी आ गई। बस यार अब गाड़ी हमारी चल रही है, बच्चे तो पैदा करते रहेंगे, वापिस काम पे आते रहेंगे। क्या कहते हो पांडे जी? हाँ, सही बात। चाय पीनी पांडे जी? नहीं अब कुछ नहीं पीना है। खाना? कुछ नहीं। अभी क्या करें भाई, 1 घंटे बाद तो लोग उठ जाएंगे, अखबारें आ जाएंगी, न्यूज़पेपर आ जाएंगे, लेकिन हम सो जाएंगे। और मैं सो भी गई थी थोड़ा सा, आंखों ही आंखों में दिन चढ़ गया। घर पहुंच गई 6:45 बज रहे हैं। A few moments later. अब क्या करूँ यार, मुझे नींद भी आ रही है, बट ये सुबह हो रही है, बट अब मैं सोने जा रही हूँ। दोनों सोए हुए हैं, हर्ष और गोला। आंखों ही आंखों में रात कैसे बीत गई। बट हर्ष ना बहुत लेट सोया है, इसने मुझे कितने बजे तक करता रहा। हाँ लास्ट अभी आधे घंटे पहले जाग रहा था, पर अभी लगता है वो हार गया और वो सो गया। और मैं हारने वाली हूँ। मैं स्पेशल बाहर गई थी शीला को बोलने कि कल मुझे मत उठाना, मत उठाना मतलब मत उठाना। अभी ये बात करते करते मुझे ऐसा लगता है मैं बेहोश हो जाऊँगी। सो खैर, आज का दिन बहुत 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 अच्छा था। ए बाय, चैनल सब्सक्राइब करना कर लो, नहीं करना ना करो, नींद बहुत ज़्यादा आंधी है। बाय बाय। इनको बोला था 1 करो, पर इनको छुट्टी थी 2 कर ली।